Hello friends, welcome to my channel AR Creation. Today we will learn and explore something new. So last time हमने formatting element किया था, आज हम color के ऊपर discuss करेंगे कि HTML में color कैसे change किए जाते हैं, text के या background color कैसे डाला जाता है. लेकिन उससे पहले हम दोबारा से recall करेंगे कि attributes क्या होते हैं. तो हमने बहुत जगह attribute use किए थे, तो हम एट्रीब्यूट्स याद करेंगे. जैसे हमने एक एट्रीब्यूट ए के बाद यूज किया था, ए टैग के साथ, ए एच आर ई एफ, है ना. एक एच आर ई एफ एट्रीब्यूट हमने यूज किया था जब हमने एक लिंक इंपोर्ट करवाना था. तो हम ए एच आर ई एफ इज इक्वल टू डबल कॉलम में वो लिंक मेंशन कर देते थे जो हमने खोलना था. तो एक एच आर ई एफ इज इक्वल टू दिस, ये हमारा एट्रीब्यूट बन जाता था. तो एट्रीब्यूट क्या करता है, एड ऑन इन्फॉर्मेशन डालनी हो या जरूरत से ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी हो एक टैग में, तो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं. तो हर हर टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं. तो अगर हमें यूज करने हैं वो एट्रीब्यूट, तो हमें वो एट्रीब्यूट सही से मेंशन करना पड़ेगा, तब वो टास्क परफॉर्म करके देगा. सो एच वन टैग के अंदर हमने एडिशनल चीजें मेंशन करनी है, लाइक कलर मेंशन करना है कि एच वन टाइप के अंदर जो स्टेटमेंट डाल रहे हैं उसका कलर चेंज हो. तो कैसे करें, तो एच वन टाइप, तो इसके अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे. स्टाइल इज इक्वल टू, उसमें एक कलर मेंशन कर दूं, सी ओ एल ओ आर लिखना है, सी ओ एल ओ आर, स्पेलिंग हमेशा सही होनी चाहिए. और इक्वल टू करके नहीं लिखना, जब भी इसके अंदर लिखना है इसके अंदर ये डाल के उसके बाद कलर मेंशन कर दो जो भी आपको चाहिए. और जब ये कलर मेंशन हो गया तो आप क्लोज कर सकते हो. और उसके बाद व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो, माय नेम इज अनमोल, उसके बाद टैग क्लोज कर दो एच वन का, एच वन टैग क्लोज. सो अगर मैं ये पीस ऑफ स्क्रिप्ट को रन करूं तो सो माय नेम इज अनमोल रेड में आ गया. सो सपोज आपको कलर वाला टेक्स्ट कलर रेड चाहिए लेकिन बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक चाहिए, तो आप क्या करो, कलर रेड के अंदर ही यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दो, उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर मेंशन करना पड़ेगा, बैकग्राउंड, उसके बाद बैकग्राउंड कलर आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, सी ओ एल ओ आर कलर, उसके बाद सेम चीज ब्लैक. ओके, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करके सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा. अगर हम इस पीस ऑफ कोड को रन करें, सो माय नेम इज अनमोल और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया. सो ऐसे हम मेंशन करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके एच वन टैग के अंदर कलर्स. सो आज एक और चीज देखेंगे कि हम कमेंट कैसे डालते हैं. कमेंट जैसे पाइथन में हैश डाल के या डबल कॉलन या ट्रिपल कॉलन डाल के कमेंट डालते हैं, तो स्क्रिप्ट एचटीएमएल स्क्रिप्ट में, एचटीएमएल लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कैसे कमेंट डालते हैं. तो कमेंट डालने का बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है. तो स्टार्ट कमेंट ऐसे होता है, उसके अंदर उसके बिलो कुछ भी लिख दो, लाइक अगर हमने कोड मेंशन करना है कि बिलो पीस ऑफ कोड इज टू चेंज कलर, बिलो कोड इज टू चेंज टेक्स्ट कलर. बिलो कोड इज टू चेंज टेक्स्ट ऑफ कलर, टेक्स्ट कलर, चेंज टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर. सो मेंशन कर दूं, ओके. उसके बाद कमेंट क्लोज कैसे होगा, तो क्लोज जब होगा तो हमने उसमें ये चीज नहीं डालनी, बाकी सब सेम ही रहेगा. हमने सिंपली ये कर दिया, उसके बाद क्लोज कर दिया. सो ये कमेंट बन गया है उस पर्टिकुलर लाइन का जो हमने नीचे मेंशन कर रखी है. ओके, अब हम कमेंट्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि कमेंट्स हम कब कब डाल सकते हैं. सो बेसिकली
हमें कमेंट्स डालने होते हैं तब, जब तो हमें सिर्फ कोड के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन करनी हो कि ये कोड क्या कर रहा है, ताकि अगर किसी और कोडर को वो कोड दिया जाए तो वो कमेंट पढ़ के कोड इजीली अंडरस्टैंड कर ले। और दूसरा कारण कमेंट डालने का होता है कि अगर आपने पीस ऑफ कोड को ही कमेंट कर दिया, ताकि आप उसको फर्दर जब कोडिंग करने लगे हो तो उसको दोबारा यूज कर सको, रैदर देन आप स्क्रैच से दोबारा कोड लिखो। तो इफ अगर मुझे ये लाइन ही नहीं चाहिए, अगर ये लाइन मुझे इस समय नहीं चाहिए कोड की, तो मैं इस पर्टिकुलर कोड को भी कमेंट कर सकता हूँ। ओके, और ठीक है, ये पर्टिकुलर कोड भी कमेंट हो गया, और जब मुझे ये कोड की लाइन चाहिए होगी तो मैं इसे अनकमेंट कर दूंगा। सो बेसिकली दैट्स व्हाई हम कमेंट ही यूज करते हैं। सो अब कमेंट का हो गया, तो अब हम लिंक का देखते हैं। तो लास्ट टाइम हमने लिंक यूज किए थे, ए एच आर एफ इज इक्वल टू एच आर एफ इज इक्वल टू google.com। उसके बाद हम लिखेंगे गो टू साइट की, क्लिक द लिंक गो टू साइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट, क्लिक द लिंक। उसके बाद हम ए टैग बंद कर देंगे। सो बेसिकली अगर मैं ये चीज रन करूं तो एक क्लिक द लिंक नाम का आएगा, लेकिन अभी हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया कि ये HTTPS का लिंक है कि नहीं। अगर मैं इसको क्लिक भी करूं तो ये मुझे कहीं लेके नहीं जाएगा, ये वर्ड्स वर्ड स्कूल के अंदर ही बताएगा कि ऐसा वर्ड स्कूल के अंदर कोई लिंक है नहीं है। तो मतलब कि एक तरीके का कि ये रिलेटिव यूआरएल बना है उस वेबसाइट का, कि वेबसाइट के अंदर ही आपने कहीं लिंक यूज करके उसी वेबसाइट में किसी और पेज में जाना है, तो ऐसे लिंक आपको मेंशन करने हैं। लेकिन अगर आपको ग्लोबली जाना है कि लोकल होस्ट में नहीं जाना, ग्लोबल होस्ट में जाना है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा HTTPS डबल स्लैश google.com। अगर मैं इसके द्वारा रीरन करूं तो ये मेरे को लेके जा रहा है, लेकिन ये google.com फिर मुझे लोकल क्या कहते हैं होस्ट के अंदर ही सर्च करके दे रहा है। अगर मुझे इसे ग्लोबल में लेके जाना है तो मुझे ये क्लिक यहां से ड्रैग करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और तब ये मेरे को google.com खोल के देगा। लेकिन पर्पस हमारा ये है कि ये ऑटोमेटिकली टैब चेंज करके मुझे गूगल के पास लेके जाए, रैदर देन कि मैं ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि यूजर तो हमारा ये करने नहीं वाला। तो वो उसको एट द एंड ऑफ द डे सबसे इजी टास्क चाहिए। सो उसको अगर मुझे ऑटोमेटिकली ये लिंक इस जगह नए टैब में खुलवाना है तो मैं क्या करूं? सो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मुझे एक टारगेट बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट यूज करूं, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक, और इसके द्वारा रीरन करूं, तो उसके बाद क्लिक द लिंक करूं तो ऑटोमेटिकली एक टैब खुलेगा। सॉरी, मुझे ड्रैग नहीं करना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली एक टैब खुलेगा और वो गूगल ओपन कर देगा। सो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने कलरिंग सीखी, कमेंट सीखा, और एक टारगेट बनाया कि ऑटोमेटिकली नया टैब खुले उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जो ग्लोबली अवेलेबल है। ठीक है ना, जो ग्लोबली अवेलेबल है उसका टारगेट से नया टैब ऑटोमेटिकली खुलेगा। सो आई थिंक 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू, मुझे लगता है कि इतना कंटेंट की पेज से चले तो कंफर्टेबली हम सीख पाएंगे HTML। सो अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe, share and like my videos. Also hit the bell icon for new updates from AR Creation.